साधन रमन, आप सभी को हार्दिक नमस्कार। मित्रों, 2020 का राशि फल ला करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसका नाम है धनु राशि फल। और वार्षिक राशि फल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप किस तरह से जीवन शैली को रखें, किस तरह से अपनी विचारधारा को रखें, आपके ग्रह गोचर में परिवर्तन किस तरह से आने वाला है, कौन सा ग्रह कहाँ रहने वाला है, इस सब विषयों पर मैं पृथक पृथक चर्चा करने वाला हूँ। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस 2020 में धनु राशि के राशिफल में, जो धनु राशि के जातक हैं, जन्म कुंडली में बृहस्पति देव आपके लग्न स्थान में होंगे, साथ में शनि देव भी होंगे। लेकिन 20 नवंबर को तो बृहस्पति देव का परिवर्तन होगा, वो धनु राशि से मकर राशि में चले जाएंगे। इसके साथ साथ जाने से आपके द्वारा किए गए कार्यों में लाभ की प्राप्ति यानी धन लाभ होगा। शनि देव आपकी राशि में रहते हुए 24 जनवरी को अपनी दूसरी राशि यानी अगले राशि में मकर राशि में चले जाएंगे। राहु केतु क्रमशः लग्न और सप्तम भाव में होंगे, इस कारण वाणी में अहंकार तथा फिजूल खर्ची संभव है। इन दोनों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार अन्य ग्रह भी संपूर्ण राशियों में भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। इनका आपके जीवन यात्रा पर एक अच्छा विशेष प्रभाव पड़ेगा। उस प्रभाव को भी आपको ध्यान से देखना है, सोचना है, समझना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर भी आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन पर यानी फैमिली लाइफ। तो इस वर्ष 2020 में पारिवारिक जीवन यात्रा में कुछ नयापन दिखाई देने वाला है। घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा, एक दूसरे में भाईचारा का प्रभाव दिखेगा। परिवार के सदस्यों के मध्य शीत युद्ध यानी बाटा कहानी चल सकती है, तो गुरु की दृष्टि कारण कुछ सुलझ भी हो सकता है। सब पारिवारिक कोई धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। शनि के लग्न में गोचर होने से छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है, या उनके साथ रिश्तों में मिठास का संचार आप करेंगे। माता पिता के साथ आपका रिश्ता सामान्य रहेगा, माता पिता का भरपूर सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। परिवार में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। संतान की प्रगति में आपका सहयोग रहेगा, साथ में उसकी प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। घर में सुख सुविधाओं से जुड़ी कोई नई वस्तु आ सकती है। घर के साथ सज्जा में आपका धन व्यय हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में जीवन संगिनी के साथ मनमुटाव तो इस साल के प्रारंभ होते ही रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि शुरुआत में सप्तम भाव में। छोटी छोटी बातों पर कृपया अपने रिश्तों में मनमुटाव न लाए और रिश्तों में दराने न पड़ने दें। आपस में दोनों मिलकर के रहेंगे तो मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें, उस पर अमल करें, भावनाओं का आदर करें, प्रेम से बातें करें तो समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी, सुलझ हो जाएंगी। लगभग संपूर्ण वर्ष गुरु लग्न में बैठकर सप्तम भाव को देखेगा, अतः वैवाहिक जीवन में सौहार्द प्राप्त होगा, बना रहेगा। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें यानी वेल्थ, धनु राशि के जातक को वर्ष 2020 में धन के मामले में दिक्कत हो सकती है, इसलिए नियोजित रूप से खर्च करें तो अच्छा रहेगा। धन संबंधित लेन देन करते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि किसी नजदीकी व्यक्ति से धोखा मिलने की भी संभावना बनी हुई है। आपके लग्न में केतु तथा धन भाव में शनि के होने से यह बयां कर रहा है कि मोक्षप्रद कार्यों में भी धन खर्च करेंगे। इसके साथ ही कुछ वैसे कार्यों में भी धन आपके खर्च होंगे जिसमें आपने सोचा भी नहीं था। संतान के एडमिशन में आपका धन व्यय होगा या सब कुछ अचानक होने की उम्मीद की जा सकती है। धन के मामलों में आपको किसी न किसी व्यक्ति का सहयोग अवश्य ही प्राप्त होगा और उनसे धन लाभ भी होगा। कार्य व्यय की गई सोच अच्छी रहेगी। बात करते हैं आपके नौकरी की यानी जॉब। नौकरी की दृष्टि से यह वर्ष अति महत्वपूर्ण है। यदि नौकरी कर रहे हैं और प्रमोशन दिए हैं तो पदोन्नति का लाभ मिल सकता है, परंतु यह सब नवंबर से पहले ही होगा। आपके वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है तथा कंपनी की तरफ से भी आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं
अगर नहीं कर रहे हैं तो नौकरी की तलाश कर सकते हैं, और कर रहे हैं तो उसमें पदोन्नति की लाभ पदोन्नति की मतलब काफी ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप अपना बेस्ट दीजिए, यानी अच्छा समय दीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यदि नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए अनुकूल है। यदि आपकी कुंडली में दशा ठीक चल रही है तो अवश्य आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। इस समय आपको अपने बॉस का भरपूर सहयोग मिलेगा और इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं बिजनेस की, यानी व्यवसाय की। व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको बहुत अनुकूल समय प्राप्त होगा। आप अपने आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं तो निश्चित ही समझ जाए अकारण वाद विवाद हो सकता है। आप सुलझाने में आलस्यपन न करें, नहीं तो विवाद ज्यादा बढ़ सकता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए शनिवार के दिन हनुमत आराधना अवश्य करें। यदि कोई नया काम करने के लिए सोच रहे हैं तो उस क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लें, क्योंकि जो अनुभवी लोग होते हैं और उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो आपको अच्छी सलाह अच्छी मशवरा आपको दे सकते हैं। आपके लिए फायदे का सौदा ये साबित होगा। शेयर बाजार में निवेश करने जा रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए निवेश न करें, छोटी अवधि के लिए ही निवेश करें। सरकारी या निजी क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, आप इतना मेहनत करेंगे आपको उससे अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा और प्रतियोगिता, यानी एजुकेशन ऑफ कंपटीशन। वर्ष 2020 के लिए धनुराशि के जातकों को इस वर्ष बेहतर शुद्ध परिणाम मिलने वाला है। साल के मध्य तक आपको अनेक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। धैर्य धारण रखने की आवश्यकता है। धैर्य से काम अपने नहीं लिया तो आप काफी परेशान भी हो सकते हैं। धैर्य के धारण करने से आप सितंबर मास के बाद आपको परिणाम अच्छा मिलने लगेगा। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यानी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके प्रतियोगी घर पर है। परंतु आपको अपने आलस्यपन को जरूर दूर करना चाहिए, उसमें कभी भी आपको दिक्कत हो सकती है। यदि आप कोई अनुसंधान कर रहे हैं तो उसमें भी कठिनाई का अनुभव करेंगे, लेकिन धैर्य आपके लिए बहुत जरूरी है। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, हेल्थ। वर्ष 2020 के लिए कुछ व्यक्तियों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी चलती रहेगी, कोई बड़ी जो है बड़ी परेशानी कम देखने को मिलेगी। किसी भी तरह मानसिक तनाव आने न दें, मानसिक तनाव परेशानी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि शनि देव लग्न में बैठे हैं। यहां पर शनि आपके लिए मार्केश और मृत्यु तुल्य कष्ट देने की हैसियत से बैठा है। अतः यदि मन से आप बीमार हैं तो अनुभव करने लगेंगे तो वाद विवाद आपको हो रहा ही है। यदि पहले से बीमारी अवस्था में है तो उसका विधिवत इलाज करते रहें। हाँ, बीच बीच में किडनी और मूत्र से संबंधित बीमारी का लैब टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, खासकर यदि आपकी कुंडली में राहु और शुक्र साथ में हो। आपने खान पान का बिल्कुल ध्यान रखें, इस समय आपकी जंक फूड खाने की प्रबल इच्छा हो सकती है, परंतु उससे आपको बचना चाहिए। व्यायाम और कपाल भारती आदि का खूब अभ्यास करें और समस्या आपकी अपने आप समाप्त हो जाएगी। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। इस साल आपके प्रेम संबंध में भावनात्मक और कामुक पक्ष प्रबल रहेगा। काम वासना इतनी प्रबल होगी कि आप अपनी मर्यादा को भूल सकते हैं। मेरा सुझाव यह है कि ऐसा न करें, अपने आप पर कंट्रोल रखें तो अच्छा रहेगा। अपने आप पर कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि यदि शादीशुदा है तो उसको इसका इफेक्ट आपके वैवाहिक जीवन पर भी अच्छा पड़ेगा। गुरु की दृष्टि होने से सब ठीक हो जाएगा। प्रेमी युगल का भरपूर आनंद उठाएंगे। अपने बाड़ी पर नियंत्रण रखें और अपने रिश्तों पर आए गैर गलतफहमियों को दूर करें। इस समय आप विपरीत व्यक्ति के प्रति काफी झुकाव रख सकते हैं। अब विषय हमारा है कि आप जो आपके राशिफल है यानी धनु राशि वाले लोग हैं, क्या करें और क्या ना करें। ध्यान रखें कि आपके राशि पर धनु राशि पर 7.5 का पूरा प्रभाव है। तो पहला नंबर कि क्या करें क्या ना करें में, अपने कार्य में आलस पर न करें, ऐसा करने से आपको नुकसान ही होने वाला है। दूसरी बात, दान देना भी सीख लें तो अच्छा रहेगा। अंध विद्यालय में दान करें, व्यवसाय में वृद्धि होगी। आपकी राशि का स्वामी गुरु ग्रह, यदि आप ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं तो गुरुवार का व्रत रखें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से निश्चित ही आपका कल्याण होगा।
चौथा नंबर, घर घर में केले का वृक्ष लगाएं और गुरुवार के दिन पूजा करें, आपकी शुभ रहेगा। पांचवा नंबर, आपके लिए शुभ ग्रह शनि है, शनि आपके लग्न में बैठा है, अतः आपका बना बनाया काम बिगाड़ सकता है, इसलिए प्रत्येक शनिवार के दिन सुंदर कांग्रा पाठ करना, हनुमान चालीसा करना आपके लिए शुभ रहेगा, इससे सारे काम आपके ठीक होने लगेंगे। छठी बात यह है कि बाणी पर तो नियंत्रण रखना ही होगा, एक बार किसी बात को दोहराने की कोशिश दोबारा न करें। सातवां नंबर, माता पिता का नियमित आशीर्वाद लेने से आपके भाग्य में, आपकी बुद्धि में और विद्या में उन्नति अपने आप होती रहेगी। इन्हीं विषयों के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, आज्ञा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले विषय में, तब तक के लिए मुझे दी जाएगी, नमस्कार।